सीधी में कानून व्यवस्था के लगातार धज्जी उड़ रही है। यह कानून जो है लोगन का सुरक्षा नहीं मुहैया कराए पाए रहा है। हालात यह कि जो कोर्ट परिसर में न्याय के मंदिर है, जहां न्याय के देवता बैठा थे, और यह कहा जाते कि यह परिसर इतना सुरक्षित होते है कि ऐठे कौनो परिंदा पर नहीं मार सके, किंतु हालात यह कि सीधी के यह जिला न्यायालय में हम खड़े हैं, जहां दो लोग हाथन में आवेदन ले खड़े हैं। आवेदन ही अपने ऊपर भे हमला खेतर लेके खड़े हैं कि कोर्ट में गवाही दे आए रहे हैं, इनके ऊपर 307 जैसा मतलब हमला भरा, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा 307 के अपराध कारित किए गए रहा, इनके ऊपर हाथ मतलब एक कट्टा के माध्यम से, बंदूक के माध्यम से गोली चलाई गई रही, जौने के न्यायालय में प्रकरण जो है जारी है। हालात यह भे कि जो आरोपी है वह आरोपी खुलेआम इनका गवाही दे से जो है रोक रहा है। हालात यह है कि कोर्ट परिसर के अंदर घुस के वह इनके साथ भद्रता करीस, मारपीट करीस और साथ में गाली गलौज करीस और इनका गवाही तक नहीं दे दी। तो सवाल यह उठत है कि कहा पुलिस यह सुरक्षा सीधी माँ लोगन का मुहैया कराए पा रही ही या नहीं। सवाल यह उठत है कि कहा सीधी माँ सुरक्षा व्यवस्था माँ पुलिस के कौनो भूमिका है या नहीं, या फिर अपराधी के हौसला इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब सीधी में कानून के नहीं जंगल राज हो चुका है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे सीधी के यह सबसे दुखद खबर के, जहां अब न्यायालय के अंदर हो कौनो व्यक्ति जो है सुरक्षित नहीं आए। का पूरा घटनाक्रम भा है वह हम जाने के प्रयास करी थे, का ना हो अपना के उकाप घटना क्रम भा। मेरा है जी अनबलगन है, तमिलनाडु रहने वाला। एक दो साल के पहला मेरा ऊपर बंदूक चलाया था अरुण कुमार मिश्रा, आज बेसीदा उसका मैं हम लोग दोनों आया था, चार पांच आदमी उसके साथ में, हम लोग अंदर जाना नहीं दे रहा था, अंदर घुसा तो वहाँ से हम लोग बाहर बोला निकालो नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा काट के फेंक दूंगा। ऐसे करके हम लोग, मैं डर से फिर अपना दोस्त को फ़ोन किया था, वो भी आया था हमारा साथ। यह बताइए अपना घर कहाँ है, कहाँ है पूरा पहले घटना बताइए। घर हमारा है मधुरी में, मेरा घर बना हुआ। हाँ, को अपना के साथ ही घटना का अंजाम दे रहा, कौन आदमी अपना के साथ ही करने लगे? वो अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा अपना का पूरी घटना से हम जोड़ दी। पहले हम कहा कि हमारे सहयोगी आदित्य है, ये जो आवेदन हाथ में लाए हैं ये अपना पूरा देख ली और समझ सकी थे कि सीधी माँ सुरक्षा के का व्यवस्था ही। हालात यह कि बेचारा पहले तक गोली के से कैसों न कैसों बच गया, किंतु अब हुआ आरोपी के खिलाफ जब केस चल रहा है तो न्यायालय में गवाही जब दे आबत है तो इनके साथ मारपीट कीन गए और मारपीट के साथ साथ सबसे बड़ी बात इनका धमकी दीन गए कि टुकड़ा टुकड़ा के काट करके फेंक दे, गाली गलौच कीन गए। और हालात यह भी कि अब बेचारे जो है गवाही तक नहीं दे पाए, अब अगली पेशी इनका मिली है। का ना हो अपना के भा है पूरी घटना का भाई? मेरा नाम राकेश मुंडिया है। घटना इंटे गवाही दे आ रहा, आज हमारे गवाही रही 23 तारीख का, लेकिन अरुण कुमार मिश्रा जी को आरोपी आई वो हमें अंदर जाए नहीं दी, नहीं है गेट के पास, ये गेट के पास मारपीट करे लागे, गाली गलौज करे लागे, धमकी दे लागे कि अभी तक गोली से मारे नहीं दे, काट के फेंक दे, या तरह के कहा लागे, तो उनके कारण हम नहीं जा पाए वहाँ कोर्ट परिसर के अंदर। यह पूरी घटनाक्रम बताई कि कैसा शुरुआत भे रही, काहे काहे केस चल रहा है और काहे में अपना गवाही केस इनके ऊपर यह चल रहा है। 2 साल पहले ही अपने के ऊपर देसी कट्टा से फायर करे रहे, गनीमत रही कि अपना बच गए, झुक गए रहे, जोने कारण से बच गए रहे, वही के प्रकरण में 307 के मुकदमा में पेशी चल रहा है, जोने की आज गवाही हमार रही है, हम गवाही आ दे आए हैं। अच्छा, गवाही दे आए रहन और अपना का पकड़ के कई जने रहे? बजे 4-5 जने रहे, मुंह बांधे रहे, पहचाने नहीं है, केवल एक आदमी के पहचाने थे। हाँ, जो हमारे गांव में कहीं अरुण कुमार मिश्रा जो आरोपी है उन्हीं बस के जाने थे। तो बंदूकों वगैरह ले रहे कि अब जेबा में कहा ले रहे, हमें कहाँ मालूम कहा ले रहे, नहीं तो अपना के साथ कुछ मारो पीट करी, मार पीट करी, हमसे गाली गलौज कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो अपना देख, हम कहा कि वह शख्स के अपना का हम दिखवाई थे कि जो बंदूक चलाए रहे हैं और उनका कब जो है यह पूरे मामला में FIR दर्ज भय रही, वो पूरा घटनाक्रम से अपना का वाकिफ करा दी कि आज से लगभग जो है अपना का हम यह दिखाई थे कि यह मई 2020 का यह शख्स जो है हमारे साथ दिख ली, पहले यह तमंचा दिख ली या देसी कट्टा के माध्यम से यह फायरिंग भर ही, यही अरुण कुमार मिश्रा जब फायर कर रहे हैं और इनके द्वारा जो है
या अपराध का अंजाम दी इनका रहा अपना तमिलनाडु को, यहीं यहाँ इनकर शादी भाई, यहीं इनकर घर बन गया, अभी रहा लागे। और इनके ऊपर जो है या आरोपी अरुण मिश्रा के द्वारा जब अपराध कारित किएगा तो एम आप पुलिस के द्वारा अपना कहम बता दी कि 451, 294, 323, 506 यह अपराध कायम किएगा। उस साथ में 294, 323, 506, 34 और सीधे तौर पर समझी कि यह पूरे घटनाक्रम में आरोपी के खिलाफ 307 और 325 तक के मामला दर्ज है। अब वह मामला दर्ज होने के बाद सीधी के या जिला न्यायालय में मामला चल रहा है और सीधे तौर पर समझी कि यह मामला में गवाहिन का धमकावे, मारपीट और गाली गलौज तक के मामला सामने आवा और अंततः गवाह जो है न्यायालय के सामने, जज के सामने अपन गवाही दे नहीं पहुंच पावा। तो मतलब सीधे तौर पर समझी कि सीधी माँ कानून के राज है या जंगल राज है, हम बे सवाल पूछी दे, काहे कि जब न्यायालय परिसर सुरक्षित नहीं आए तो सुरक्षित को है, जब जज सुरक्षित नहीं आई, यहाँ आरोपी सुरक्षित नहीं, मतलब आरोपी यदि अंदर जाए तो मतलब अंदर है ओका का मत डारे, गवाही अंदर जाए तो अंदर का होकर फैसला हो जाए, मतलब कहाँ है कानून, कहाँ है यह व्यवस्था जो लोगन का यह कहो न कहो एहसास करावे कि वास्तव में हम सुरक्षित हैं। हमारे साथ जय सिंह जी हैं। जय सिंह, यह पूरे घटना में जब अपना तमिलनाडु से जो शख्स हैं हमारे साथ पीड़ित शख्स हैं उनके द्वारा सूचना दी गए बुलावा का, तो जय सिंह पहुंचे रहे। जय सिंह जी, अपना आए नेठे तो का दिखे न का घटनाक्रम? हमका अपना फोन करी नमा मित्र हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, एक पहले जानकारी रही कि इनका कट्टा चलाए रहे, हमका जानकारी दे रहे हैं और पूरी घटना रिपोर्ट उपोर्ट भाई बताएं कि आज हमका फोन करी कि भैया पेशी है, वो हमको गाली दे रहा है और धक्का मार के बाहर कर दिया और हमको गवाही नहीं देने दे रहा है जो हमारे गवाह को। तो हम बोले ठीक भैया मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। हम जब आए तो वहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचे तो चार लोग थे जो कि ढट्टी बांधे थे अरुण मिश्रा को। हम सिर्फ इतना बोले कि पंडित जी काहे परेशान करें गरीबन का, इनका जिए दे है ना, गवाही दे दे, कहीं कि तय को आए तय कैसा ना है, ये गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, गुंडे ही मुतारी हो गए और लपटने की तैयारी में था एकदम माने। और वो जो लोग थे तो बोले बाहर ले चलो, तो बताएं बाहर ले चलो। तो हम बोले देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत से बात करिए, ये गरीब है बेचारे, गरीब को आए पड़ता कहीं कुछ नहीं होगा ना, गवाही देने देंगे इनको और अगर गवाही देंगे इनको जान से मार देंगे हम, बताइए घटना है नहीं तो का लागत है, सीधी में कानून है या नहीं? नहीं है, नहीं है, इसलिए ना खुलेआम कट्टा लेके और खुलेआम गाड़ी में एनी टाइम बंदूक रखे रहता है, कट्टा रखे रहता है और स्कॉर्पियो लेके चलता है बराबर, और कहता है कि अगर मिलोगे तो जान से मार दूंगा इस तरह। यह बताइए अपना का पहले का ऐसे धमकी मिल चुकी है, जब से कब से धमकी मिल रही है अपना? ये बहुत करता रहता है जी, मैं जेल से आया था फिर भी मान लो धमकी देता है घर में, वहाँ जाके लेडीज गाली देता है, हम लोग को जाने आने में रास्ता में परेशान रहता है, कभी क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आया, मतलब लगातार अपना बच्चे को परेशान करता रहता है, कोई हम लोग को कुछ ना नहीं तो का कहे चाहिए थे अपना, का लोगन से का अपील करे चाहिए थे, पुलिस प्रशासन से अपना बच्चे का अपील करे चाहिए, यह न्याय मांगे चाहिए थे कि हमका अपने का न्याय मिले। एक तो रास्ता नहीं है घर में, जो जाए के रास्ता रही वो आदमी बंद कर दिए है, तो कहाँ से घूम के गए थे ओहू में कौन सुरक्षा नहीं है, जब कबो गाली गलौज घर में लेडीज हैं बहन लोग हैं जो, तो उनका पचन सबका गाली देते हैं, घर वाली का गाली देते हैं और गवाही नहीं दे दी। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात कि ये जिला न्यायालय सबसे सुरक्षित परिसर कहा जाता है, यहाँ पुलिसों भर चाहे तो यहाँ अपन अधिकार पुलिस के जीरो हो जाते, तो सोची वह न्यायालय परिसर में एक गवाह जो है वो एक प्रमुख जो कहा जाए केस के गवाह जो है वह व्यक्ति के का हाल करीस कि ओका गवाही तक नहीं दे दीस, तो अपना खुद कल्पना कर ली कि सीधी में कानून के राज है कि जंगल राज। अपना ये बताइए जब बैठे आए तो एठे को मौजूद रहा गेट में का दिखा? पुलिस वाले रहे हैं? नहीं अपने पच्चे रहे नहीं, बैठे। अपना नहीं आए, अपना चले गए हैं जे रहे हैं और अपने के सामने ही थे खुलेआम, ये गेट के जस्ट बगल में वो गुंडे से एकदम उतारू था खुलेआम, माने गुंडे उसकी कि कोई नहीं बिगाड़ सकता हमारा कुछ, माने इतनी बड़ी गुंडे है उसके पास कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, इतनी दमंगई घर में कोर्ट के, इनके कोर्ट के परिसर दिखाई लागे एठे नगर सेना से दुई जो है नगर सेवक नगर सेना के कर्मी बैठा थे, हालांकि अब एठे नहीं बैठा ही, शिफ्ट बदल चुकी है, किंतु सबसे बड़ी बात कि जो यह जिला न्यायालय है अब चीख चीख के कह रहा है कि हम असुरक्षित हैं, हमें से यह बात कही रहे हैं कहे कि सीधी माँ जो में हालात है वो बेहतर हालात नहीं कहे जा सके, खुलेआम देखी गवाहन का जो है
डरवावा जात है, धमकावा जात है, मारा जात है और यह कहा जात है कि यदि ते गवाही देवे तो हम तोका काट काट के मचिक देव। तो यदि यह में हालात रही तो कानून के राज है या जंगल राज हम बे यह शब्द कहा कहे कि जो में हालात है हम कहा कि या हमारे साथ जो हैं वकील महोदय हैं उन्हों से हम जाने के प्रयास करब कि आखिर जो में हालात थे या न्यायालय परिसर के हुए जाल लगे। अभी कुछ दिन पहले एक हम खबर दिखाए रहे जो ने न्यायालय के अंदर मारपीट के मामला सामने आवा रहा, आज फिर से गवाहिन का जो है जो गवाह रहे उनके साथ मारपीट की गए, उनका गवाही तक नहीं दीन गए, यह का कह सकी थी व्यवस्था का? ये गलत है और न्यायालय परिसर में ऐसा न हो चाहिए, संयम लोगों का रखना चाहिए। नहीं तो जो में यह में वारदात बेबे घट रही है और पुलिस और प्रशासन और अपना की कोर्ट के परिसर या जज जे मतलब लोगन का न्याय देते वो खुदे कहो न कहो वो परिसर अब अन्याय झेल रहा है तो ओका का कहा? अब पुलिस व्यवस्था हो चाहिए, यहीं पर ध्यान दे चाहिए, लोग शिकायत करा तो कार्यवाही हो चाहिए। नहीं अब सोचिए कि एक गवाही जो गवाह जेके विरुद्ध दे आ रहा ओका जो है चार छः लोग मारा थे पीटा थे गाली गलौज करा थे वो कहा थे गवाही देवे तो ओका काट डारब तो यह कितना न्याय संगत वाली? गलत, ये गलत। यदि हमका न्याय चाहिए तो ओके खितिर गवाहों के गवाही हो चाहिए, पुलिसों के मतलब पक्ष आवे चाहिए, सबके पक्ष ही तब ना जाए कि न्याय दे पाई जज। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऐसा कोनो घटना है तो गलत है, वहाँ ही कंट्रोल हो चाहिए। नहीं अपना पचन की परिसर के सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? यदि हम अपना से पूछी कि अपना पचे का सुरक्षित है ना, अपनों पचे तो दुई पक्ष के केस लड़ी थे, अपनों पचे खतरा में रही थे? अवय तक तो सीधी में ऐसा नहीं रहा, लेकिन अब एक अगर एकाक दूठी घटना भई तो ये गलत है, पर प्रशासन ध्यान दे चाहिए और फोर्स की व्यवस्था हो चाहिए। निश्चित तौर पर हमने साथ रहे वरिष्ठ वकील जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही जा लगी कि सुरक्षा यदि कोर्ट परिसर मुहैया न कराए पाई तो सवाल यह उठा था कि को मुहैया कराए पाई, जब एक आरोपी गवाह का खुलेआम धमकी दे के ओका जो है मारपीट कह के गाली गलौज कह के यह कह सकत है कि यदि तय हमारे खिलाफ गवाही देवे तो ओका काट डारब और ओके डर के मारा यदि गवाही गवाही न दे तो आखिर अपराधी ऐसे न खुलेआम तांडव मचा सकत है, तो सवाल ये उठा था कि का सीधी में कानून के राज है या फिर जंगल राज है, कहे कि खुलेआम जो में हालात बन रहे हैं वह केहू खीतिर बेहतर नहीं आई, नैया में ऐसा जो है परिसर खीतिर और नैया में व्यवस्था खातिर जो एठे संचालित हो रही है। हम चली थे अब या जो है अधिवक्ता संघ के हमारे साथ जिलाध्यक्ष है ब्रिजेंद्र सिंह जी, उन्होंने हम जाने के प्रयास करी थे कि लगातार अपना के परिसर में विवाद हो रहे हैं, गवाहन के साथ मारपीट हो रही है, धमकी दीन जाला ही एक बे बीते दिन अपना खुद दिखेन कि राजेंद्र सिंह जी के कौनो एक मुवक्किल रहा उनके साथ मारपीट भे रही, अपना खुद हमका बुलाया रहन हुआ दौर, तब का कोर्ट परिसर अपना के सुरक्षित है या सुरक्षित है? देखिए यह जौन परिसर है ना कचहरी जी, यह कानून के राज वाली है, पूरा देश कानून के राज पर चलत है, कोनो गुंडा आतंकवादी आताताई के ऊपर नहीं चला है, यदि करा था ऐसा प्रमाणित पावा जाता है उनका सजा होती है। अब जो अपना बात कह रहे हैं एक्सीडेंट हो सकत है पै दुर्घटना जो ने को बोला था हो सकत है पै यहाँ बहुत सुरक्षित है, यदि सुरक्षित है। अभी हाल ही में एक थे हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके साथ अभी उनका एक थे केस चल रहा 307 में गवाही रही जो पीड़ित पक्ष के गवाही रही और वह गवाह जो है गवाही दे जा रहा ओका कोर्ट परिसर से खींच के ले आवागा मारा गा गाली गलौज कीन गए धमकी दीन गए कि तोका काट के मचिक देव और वह अंततः हुआ गवाही नहीं हो पाई, एका कौन नजरिए से देखी थी? एक जौन जानकारी है वह हमारे पास ठीक ठीक नहीं है तो ए में कौन यदि ऐसा होता है तो एका कौन नजरिए से हम विनती करी थे यह मेयर के यदि कौन बात होती तो यहाँ यह जो न्यायालय की वह है व्यवस्था है उमा कौनो घटना दुर्घटना को का ये मेयर होत है तो यह CGM जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहावत है वह एका देखा था तत्काल व्यवस्था करत है और कौनो कचहरी ये जो वह हो करत है कि गवाहिन का को प्रताड़ित करे यहीं भर नहीं घरे माँ और वहाँ तो ये जो जमानत पर आज़ाद हैं तो पहले यह शर्त लगाई जाती कि गवाहिन का न तो प्रलोभित करब न प्रभावित करब न डराऊ न धमकाऊ यह शर्त पर होती, यदि ऐसा है तो संबंधी जो हैं वो जाए के थाना में या CGM के यहाँ जाए के
ओकर सूचना दे ही तो निश्चित कार्रवाई हुई, सारे लोग भयमुक्त रहे, सुरक्षित रहे, यही यह कल्पना हम बताई। सवाल यह उठत है कि का अपराधी में कानून के भय खत्म हो गया या बचा है, जब कोर्ट परिसर के अंदर खुलेआम उआ के कोनो गवाह का जो स्वतंत्र एक अधिकार ओके लगे होते है, कोर्ट परिसर खुद में अपने में इतना सुरक्षित होते है, वहाँ यदि हमें वारदातन का अंजाम दी जाए तो ये काम आना जाए कानून के राज है, यह 100% है, बिल्कुल है। गवाही यदि गवाह नहीं दावे के साथ कही थे। ये देखिए कबो कबो एक थे अंग्रेजी के शब्द है एप्सेशनल अपवाद, हिंदी में अपवाद हर जगह हो जाती है। दुर्घटना रोड में ही बड़े नियम कानून है, फिर अब दुर्घटना हो जाती चलत चलत घरे से सुरक्षित चली थे रास्ता में एक्सीडेंट हो जाते है, यह मेरे के माना जा सकता है। हमारे जो सीधी की व्यवस्था है ओमा बहुत सुरक्षित स्थिति है, चारों ये कोर्ट के चारों तरफ वकील और तमाम अपने पक्षकारों के साथ बैठे हैं। ये अपना देखिए ये एक हथो का दिखाई उनठे जो उन गेट पर बैठे हैं, दिखाई ऊपर ये दिखाई, ये जो पुलिस है ये वो गेट लगभग बंद है, ये वाले गेट में पुलिस लगातार निगरानी कर थी, सतत निगरानी कर थी, एंठे कोनो यदि बात आवा थी तो ओखा रोकत है। और हम ये सख्त शब्दन में ही संदेश दे चाहे थे अपराधीन का कि वो सुधर जाए, नहीं है कानूनी कार्रवाई अवश्य हुई, हमसे जो पीड़ित लोग बात करी चाहे वो हमारे पक्षकार के हो चाहे जे और कौन के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अपना का अपना ये जो कानून के राज है वह कायम रही, कौनो आतंकवादी के नहीं। धन्यवाद। निश्चित तौर पर हम बे सवाल ऐसे खड़ा करी थे कि कानून के राज है कि जंगल राज, काहे कि यदि सुरक्षित परिसर में यह में वारदात हो लगी है, अपना पिछली बे खुद हम आए रहें और खुद अपना कहे रहें कि जब एक कहा जाए मुवक्किल रहा उनके साथ मारपीट कीन गए और वह दौर में अपना खुद बड़ा दुख व्यक्त करे रहे कि आखिर सुरक्षित को ऐसी धीमा, हालांकि आज आसानवित हैं और कह रहे हैं कि नहीं कानून के राज है, वो अपराधीन का अपना संदेश दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हो ही है मैं चाहिए किंतु नहीं आए ऐसे सवाल खड़े होते, हम एठे यदि मौजूद हैं तो वजह ही यही कि कुछ ना कुछ जरूर भा है और वो के बाद हम एठ खड़े भय हैं, अपना पचे खुद जो में एक कहा जाए खतरनाक माहौल में काम करी थे, अपना पचे के अपराधीन के बीच में काम करी थी, नगर सेना के लगे इनके लगे बिचारों के लगे बचाव के लगे का ऐसा व्यवस्था ही जोने से हम ये मान ली कि अपना पचे सुरक्षित है, ना वाबे वाला वह हर व्यक्ति सुरक्षित है। देरी देखी तिवारी जी या जान ली कानून के भय क्योंकि लाठी गोली बंदूक से नहीं हो, कानून के भय यह कानून के वर्दी और यह तमाम व्यवस्था पर होती। हम पहले जब वह घटना भर रही तब इंठे पुलिस नहीं लगी रह रही गेट जी। और न ओंठे कोनो ऐसा रहा, अब यह सुरक्षित है, अब जौन जे बात करत हैं अब यह हम अबे अपने न्यायपालिका से बात करब कई बजे घटना है का है और ओके बाद यह कैमरा से निगरानी में है पूरा, ये जो उन बात करिल्ला है हम अपना जी। हम डिस्ट्रिक्ट जज के सीधे निगरानी में बात करिल्ला है, ऐसा नहीं है कि क्यों कह दे कि कचहरी के अंदर ऐसा वारदात भय है, यह नहीं माना जा सके तब तक जब तक ओका देख ले नहीं जाए, जब तक उनके पास प्रेजेंटेशन ना हो जाए, जब प्रेजेंटेशन मतलब अपन दावा ना हो जाए। नहीं तो हमार कहे के मतलब यह है ठीक है अपना सब जांच कह ले पड़ताल कह ले सब कुछ कह ले, मगर यह बताइए यदि कोनो घटना हो जाए ओकर को जिम्मेदार और जवाबदार माना जाए, कानून जिम्मेवार है, है? कानून तो है ना हम कहीं लागे तो ये यदि एक व्यक्ति गवाही दे आवत है कोनो केस मा और जो बड़ा जरूरी केस है 307 जैसा एक कहा जाए कि क्रूर अपराध के मतलब श्रेणी में आवत है वो अपराध हो में गवाही जैसा अहम विषय का लेके यदि ओके ऊपर ये में वारदात का अंजाम दिन जाते हो गवाही नहीं दिन जाए तो उसका काम आना अपना। अब CGM साहब के पास लिखित में शिकायत करें पीड़ित पक्ष। चलिए हमारे साथ हम कहब कि अपना जय सिंह जी जब बैठे अपना आयन तक का रहा माहौल को बैठे मौजूद रहा बताइए। हम आयन हमका फोन करी हम आयन हम वहाँ से आन चल के यह अपना कंट्री के बातें यार हम कहें पंडित जी काहे बेचारे गरीबन का मारी थे काहे पेशी करे दे गवाही दे दी तो हमसे बदतमीजी करे ले गाली गलौज करे लाए बोली कि हम गवाही न दे देब और अपना बीच में दलाली न करी या बीच में हम कहें गरीबन का न मारी अपना। अरे हमारे से लपटक तैयार हो चार लोग थे और डट्टी बांधे तीन लोग डट्टी बांधे थे और उन मिस्त्र एकदम मैंने एकदम गुंडे ही उतारू थे
वो एठे का नगर सेना रही जी हाँ यहाँ पर कर रही नगर से कुछ नहीं इधर किनारे हो जाओ बस हो गया। अब देखिए यह हाल है अपना उम्र से कितनी सुरक्षा है नगर सेना नहीं 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 नगर सेना से कितनी भय नहीं भय ये जांच के विषय हो जाए चूँकि हम बार बार कह रहे हैं यदि इनकर बातचीत भय हुई कोनो हाथापाई भय हुई कोनो वौर भा हुई तो यह देखिए ठीक सामने कैमरा लगा है ओखर तरीका है संबंधित न्यायालय का दें या न दें जाए कि सीजीएम के यहाँ अब तत्काल अर्जी दें उनमें कार्रवाई हुई ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए यह बिल्कुल निश्चित तौर पर यदि कानून जो है कानून सुरक्षा न दे पाई और या न्याय के मंदिर सुरक्षा न दे पाई तो फिर सुरक्षा हो ही कहाँ। यह एक अंतिम दर है जहाँ हर को बड़ी उम्मीद से आबत है और जैसा अपना के द्वारा बताबा गया कि सीजीएम साहब के यहाँ यदि वो आवेदन दे देते तो निश्चित तौर पर वह अपराधी व आरोपी जो उनका गवाही दे से माना कह रहा है उनका प्रताड़ित कह रहा है उनका या न्याय की व्यवस्था से दूर कह रहा है ओके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हुई और जौने आधार पर उनका जमानत मिली है बड़ा एक यह एक विषय है कि जौने आधार पर उनका जमानत मिली है कि गवाह का न कौनों में के परेशानी हुई न दबाव दीन जाई न कुछ में के कीन जाई तो यदि इनके द्वारा शिकायत की जाती और वह शिकायत प्रमाणित पाई जाती तो तत्काल रूप से हुआ जमानत रद्द हुई जमानत रद्द हुई जी। उनके खिलाफ जो असॉर्टमेंट के मामला है जो दबाव बनावे के भय बनावे के गाड़ी गरोज करे के जो जो पावा जाई वह सब कार्रवाई हुई जब न हो तो हम से संपर्क कर सकते हो निश्चित तौर पर यह एक व्यवस्था है जब कहो न कहो इंसान अपने आप का राहत में महसूस करत है अपनों पचे काला कोट पहिर के न्याय की वह व्यवस्था बनावत है जौने माँ आम आदमी एक कहा थे कि अपने आप का थोक सुरक्षित महसूस करत है किंतु पुलिस के जो क्रियाकलाप है हम बेबे कही थे कि पुलिस के जो क्रियाकलाप है वो निश्चित तौर पर अपना देख सकी थे समझ सकी थी। हालांकि दुईठे ऐठे नगर सेना के लोग बैठ रहे हैं किंतु उनका सिर्फ छोड़ावे के अलावा कुछ काम नहीं करी उनका यह देख के नहीं लाग कि हम इनका लोगन का बचाई इनका गवाही देकर इनका पूछी का है कि उनके लगे उत्तर विचार इनके लगे खुदा अधिकार नहीं है तो कहा करें ऊ एक ठे डंडा लेके ऐठे बैठे सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था मतलब ऐठे भीड़ भाड़ न लागे वो इंतजाम की तिर बैठे उनके लगे न कौनो में के ऐसा अधिकार आही न उनके साथ पास कुछ आही। हालांकि अब ड्यूटी बदल चुकी है अपना पचे हुए दौर में नहीं रहे किंतु सबसे बड़ी बात कि यह में यदि हालात हो ही तो आगामी दिन सीधी की तिर बेहतर न हुई यही से हम बेबे कही थे कि सीधी में कानून राज है कि जंगल राज जब गवाह सुरक्षित नहीं आई तो न्याय कैसा सुरक्षित हुई तो अपन बहुत ख्याल रखब अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब धन्यवाद प्रणाम।